को प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। बच्चे भी वही हाल है। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। खुश हो बेटा। दरबार के आशीर्वाद से, आपके आशीर्वाद से गुरु जी बहुत सारे कष्ट खत्म हुए हैं, और आपका आदेश जैसा हो आगे हम उसी तरह से चलेंगे। देखो बिल्कुल आंखें भी, हर चीज, सोच भी। हाँ बेटा। हाँ गुरु जी, दरबार की कृपा और आशीर्वाद से बहुत सारे कष्ट खत्म हुए हैं, बहुत अच्छी अनुभूति रही है, और बाबा जी की कृपा से आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। आपसे विनती है गुरु जी, निर्देश देते रहें और हमें आगे बढ़ने का मार्ग दिखाते रहें। हमेशा अच्छे बने रहेंगे। अब वो सारे रोग कष्ट गए, ओम थोड़ा छोटा छोटा कर बैलेंस, और सब वो गंदगी गई जो तमाम जिसके कारण परेशान थे, समस्याएं थी, एकदम फ्रेश जी। और आपको खतरनाक कष्ट हो रहे थे क्योंकि बंधा हुआ सब महसूस होना है ना जी, बहुत बंधा हुआ सब महसूस होना। आप सब गया, ऐसे तमाम सब रोग कष्ट थे जो सभी नकारात्मक स्मृतियाँ जड़ थी रोगों की, वो सब नष्ट हुए। पढ़ सकते हैं, ये सब आपको रोग थे, कष्ट थे आप लोग जी गुरु जी, ये सभी नष्ट जी, सब स्मृतियाँ नष्ट। हाँ जी सर, इसीलिए हमेशा हमेशा के लिए बेटा अच्छे, जो बंधा हुआ था एकदम खुले हुए, बुद्धि खुली हुई, सब अच्छा अच्छा। खुश हो गुरु जी, आसाम से आए हैं ये। ओ बहुत धन्यवाद बेटा, ये एक बाबा जी के लिए या आपके लिए एक है, एक बाबा जी के लिए। बहुत धन्यवाद, बहुत थैंक यू, माँ के देश से आए जी, खूब खुश रहिए। थैंक यू गुरु जी, एक प्रार्थना है। पिछली बार संतान प्राप्ति का आशीर्वाद मिला था, लेकिन शायद हम लोगों से कोई भूल हुई या एनर्जी कम रही या कहीं गलत जगह चले गए, देखिए तो मन में बहुत सारी दुविधा थी। यही चीज़ें रहती हैं जब आप दरबार से जुड़ते हैं जी। जब आप दरबार से जुड़ते हैं तो कुछ नियम है जो पालन करने होते हैं। ये दो मेजर कारण थे संतान न उत्पन्न होने के पीछे, गांठ है, ओवरी इन्फेक्शन, ठीक जी। आगे बात करते हैं। दूसरा, तमाम कुछ ऐसी गंदगी नहीं है जी गुरु जी, जिनके रहते संतान सम्मोहनी और अच्छा भी नहीं था, ठीक है ना, ठीक भी नहीं था। और उसके बाद भी एक प्रॉब्लम थी सबसे बड़ी, जी गुरु जी, सूक्ष्म में गर्भाशय ही गायब था, स्थूल में एक्टिव ही नहीं था। ओके, तो कहाँ से संतान, और आपका कुल इनके यहाँ से कनेक्ट होकर के श्रापित था, ऐसे करके तमाम चीज़ें थी। अब आप वन डे कर पाए हैं जी गुरु जी, एक विराट ऊर्जा आपके पास है ना, और अच्छा अच्छा है, सब कालिमा गंदगी सब गई है, यूट्रस अब एक्टिव मोड में है, ठीक है। करना बस यही है, लेपन जरूर नाभि पर, पेट पर, इनको आप दोनों को करना है, ठीक ठीक, ये कर पाएँ आप जी। और ये कम से कम 6 महीने आप लोग कर पाएँ जी, आपने पहले किया हो तब तक बहुत अच्छा हो गया होता है, स्थूल में भी, सर पे लेपन किया है, हाँ सिर पर किया और नाभि पर भी है ना, पेट पर करना चाहिए, ठीक है जी। और अभी महाहवन करेंगे आप लोग एक दरबार से जी, अपने दोनों के लिए प्रार्थना संकल्प करके और संतान उत्पत्ति के लिए भी प्रार्थना करके महाहवन करेंगे संकल्प, ठीक है जी जी गुरु जी। और गुरु जी, एक एनर्जी मिले आपको जी, बेहतर एनर्जी मिले, बड़ी एनर्जी मिल जाएगी जी, तो आपका फिर सब अच्छा अच्छा
जी गुरु जी, ये मेरा ट्रांसफ़र वहाँ से डिगबोई रिफाइनरी से मथुरा रिफाइनरी चाहता हूँ आसाम से। ये तो बाबा माँ से प्रार्थना करो, अपने आप ही खुद बुद्धि बदल जाएगी सबकी। जी जी गुरु जी, ठीक है, खुश हो बेटा। जरा बेटा, हाँ गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम प्रभु। कुछ भी गलती हुई हो तो क्षमा करिएगा। नहीं बेटा कोई गलती, मुझे कुछ नहीं पता है, बस आपको देख के कंपन हो रही, लग रहा है बस कुछ हो जाएगा। हाँ बिल्कुल होने वाला है। इसको देखो, इधर देखो, मेरी तरफ बाहर निकाल लिया जाए। अब आंखें बंद, ओम खींच के लाया जाए, पूरा खींच के लाया जाए। पूरी लाई जाए खींच के, जो काली काली आंखें दिखा रही, 12 बांध दिया जाए, शिव पूरा खींच के बांध दिया जाए। जो देवी बनने का नाटक यहां नहीं, बांध दिया जाए इसको। ओम, ये जो छाती में ब्रेस्ट में गांठें बना रही थी, कैंसर बना रही थी, 12 12 ये निष्कासित देवी है, श्रापित देवी है, माँ से श्रापित है। हम एकदम ब्लैक, क्या होता बेटा? पूरी तरह बाहर निकाले जाए। ओम शिव, इसे माँ को खिला दिया जाए। शिव इसके आसार और शेष स्मृतियां, इसकी इच्छा विचार आशा, इसके प्राण सब बाहर खींच लिए जाए। शिव सबसे कौन खिला दीजिए, बैलेंस शुद्धि की जाए इस बच्ची की। और चाटन दोनों तरह से चाटन किया जाए इसका, प्रहार। मस्तिष्क में जो इसकी क्लॉटिंग हुई है, इसके कारण ये क्लॉटिंग नष्ट कर दी जाए, ताकि कंपन नष्ट हो इसका सदा के लिए। शिव बैलेंस, मुंडन कर दिया जाए इसका। शिव सूच मुंडन कर दिया, डाल दीजिए माँ के कुंड में सारे बाल, बैलेंस। नए बाल उगाए जाए दरबार की ओर से, बैलेंस। वापस इसको स्त्री बनाया जाए पूरी तरह से। ओम शिव स्त्री बनाया जाए, बैलेंस। इस बच्चे को पूरी तरह पुरुष बनाया जाए। शिव बैलेंस, बैलेंस। डाकिनी थी, बनती थी देवी, जैसे हवा में उड़ती थी ना, वैसे उड़ने का प्रयास कर रही है। इसीलिए 5 बार आप लोग बोले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दोनों हथेली बेटा रगड़ के नेत्रों पे रखो, ऐसे 5 बार करो, बंधन खींच लो, आँख खोल लो। ले लिया, ले लिया। तो आपको लगता था कुछ हो जाएगा, लग रहा है? बिल्कुल गुरुजी, ये घर में तो हो गया, ये घर में रहे या बाहर है, कंटिन्यू इनके विचार, मतलब
इनके डेथ बॉडी आएगी घर पे और इस तरह से होगा। और मैं तुरंत बाबा से प्रार्थना करती हूँ, जो होना है गंदी सोच को हो, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। मैं ऑल टाइम डरी रहती थी और ये बोलते थे तुम्हारी ये सोच। वो दिखा आँख वाली फोटो, देखो दिखाता हूँ मैं, ये जो थी ना गंदी एनर्जी, नॉर्मली तो इस तरह होती है आँखें, जी 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 ऐसे होती हैं जी, इसकी आँखें ऐसी थी। गुरुदेव आपसे मिलने के बाद जब, और इसीलिए जब ये लिखा गया तो देखो आपको दिखाया नहीं था जी, ये था जी दरबार दिखा रहा था मेरा, मतलब बॉडी अचानक से चेंज हो जाती थी, ऐसे था आंखें एर जी जी। अब आप एकदम अच्छे हो, हमेशा के लिए अच्छे हो, पूरी तरह अच्छे हो। गुरुजी बस बहुत ज्यादा ना गर्मी लग रही है, ऐसा लग रहा है सब ये तो दरबार ने किया अभी आप, गर्मी दी है नहीं तो आप गिर पड़ोगे। अगर गर्मी हटा लें, देखो हम दिखाते गर्मी हटा दें, ज्यादा है गर्मी हटा दीजिए, शिव वापस ले लीजिए गर्मी। नीचे चालू हो गया कंपन, अब चक्कर सा अंदर महसूस कर रही। अलग अलग शेप में होती, शेप में होती बैलेंस। आँख खोलो, चलो देखो कमजोरी महसूस नहीं हो रही, वीकनेस वीकनेस तो महसूस नहीं हो रही। नहीं बस गुरु जी एक चीज का हमेशा डर बना रहता है, जैसे जो मेरा बंगला है तो वहाँ पे बिल्कुल जस्ट बगल में ना एक बंगाली ने छोटा सा शिवलिंग रख के मतलब गंदी पूजा करते हैं, वो जब भी मैं संकल्प करूँगी या घर में पूजा भी करूँगी तो सिर्फ वही दिखाई देगा, सामने का चर्च दिखाई देगा और मैं सिर्फ आपका नाम। चलो हम दिखाते हैं, अब हम दिखाते हैं जी, अब आँख बंद करके देखो जैसे करती थी, आपको भय लग रहा है तुम्हें? आँख खोल लो, आप कोई भय आ रहा? नहीं गुरु जी, मंदिर की तरफ जा रही हूँ पर थोड़ा सा लग रहा है कि जैसे बैक आ जाऊंगी। क्योंकि गंदगी पहले आपको आकर्षित करती थी जी गुरु जी, जितनी मतलब किसी के भी बारे में सुन लेती थी तो लगता था बस अब उसकी डेथ होने वाली है, कुछ दिनों में उनकी डेथ हो जाती थी और सबके मरने का फीलिंग सबसे ज्यादा आता था। वो स्मृति नष्ट कर दी जाए, इसको समझने नहीं देती। ओम शिव नष्ट करके से बैलेंस, और गर्मी इसकी वापस कर दीजिए अन्यथा ही गिर जाएगी। पीछे के शरीर सोते जा रहे हैं, वापस दीजिए गर्मी इसकी। ओम शिव वापस कर दीजिए बैलेंस। पांच बार बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आँख खोल के बंधन खींचो। अब क्या है, अभी आपको खड़े होने में कमजोरी महसूस हो रही थी क्योंकि हमने आपकी गर्मी निकाल ली थी, अभी आपको गरम गरम लग रहा है, इधर बाहर ने दिया था एनर्जी थी आपको फील हो रही थी, तो अभी हमने फिर वापस कर दिया। नहीं पीछे के आपके शरीर सोते जा रहे थे, पीछे आपको निद्रा आ रही थी, गिर जाओगे आप, पीछे निद्रा आ रही थी, इसलिए आपकी गर्मी वापस कर दी। और ऐसी स्मृति थी जी कि आपको गिरने गिरने को हो भी रहा था लेकिन वो महसूस नहीं होने दे रही थी आपको पहले जी। घर में कई बार ये पकड़ते थे वरना गिर जाती तो चोट लग जाती।
मैक्सिमम यही होता था मेरे साथ। आप अच्छे हो बेटा, हमेशा अच्छे रहोगे। गुरुदेव आपकी कृपा, लेपन करना है बेटा, ठीक है गुरुदेव। बस एक प्रार्थना थी आपसे कि आसाम आइए, आपके श्री चरणों की सेवा करने का मिले, या मुझे मथुरा भेज दीजिए प्रभु। मेरी इच्छा है, मैं अपने हाथ से बना के कुछ। अच्छा है बेटा, माँ के उसमें रहो, अच्छा है बेटा। अब बस मुझे एक संतान दीजिए, मेरे माथे पे कलंक है, मैं अपने मतलब किसी रिलेटिव के यहाँ नहीं जाती हूँ, सब बहुत बुरा बोलते हैं मेरे बारे में। आप को बुरा बोलने वालों की जो बोलती है ना, अपने आप बंद हो जाएगी संतान देख के। गुरुजी मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ आइसोलेट हो चुके हैं सबसे, इसी समझ सकते हैं, और इतनी डिप्रेस हो चुकी है। और आपको नेचुरल बेबी होगा दरबार की कृपा से। कोटि कोटि धन्यवाद, खुश हो, कोटि कोटि धन्यवाद, खूब प्रसन्न, खुश, स्वस्थ। जय जय राधा रमण हरिओम, जय जय।